even after living in Saudi Arabia for अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों। 2 साल से ये अमेरिकन खातून सऊदी में रहकर सऊदी गवर्नमेंट के ऊपर उठाया आवाज़। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक हॉस्पिटल में नर्स को दिन दहाड़े घसीटा गया एक सऊदी शहरी के द्वारा। तो इसकी क्या कार्रवाई हो सकती है, क्यों उठा सवाल, अमेरिकन खातून ने क्यों उठाया गवर्नमेंट के ऊपर सवाल, उसका पूरा डिटेल्स इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको इस वीडियो का क्लिप दिखाने वाला हूँ ताकि आपको क्लियर तौर पर समझ में आ जाए। तो चल Even after living in Saudi Arabia for almost 2 years, I still get asked by family and friends, "Aren't you scared to live in Saudi Arabia? Isn't it dangerous? Don't you feel unsafe?" You know what? My daughter doesn't have to do mass shooter trainings at school. I don't have to worry about going into a store and thinking that somebody's going to pull a gun on me. I feel much safer here than I do in the States. When I go home to the States and I go for a jog, my husband reminds me to bring my pepper spray with me. And I'm like, what? And I have to remind myself, oh yeah, because I could get attacked and assaulted at 10 in the morning on a jog on a Wednesday. तो फाइनली मैं आपको बताना चाहूँगा, ये अमेरिकन महिला जो सऊदी अरब में 2 साल से रहती है और इसके साथ में एक बच्ची भी है और वो मदरसे में पढ़ती है, स्कूलों में पढ़ती है। तो इनका ये कहना है, जो लोग भी इनसे ये सवाल करते हैं कि तुम एक औरत होकर सऊदी अरब जैसा देश में 2 साल से रह रही हो, वहाँ पे औरतों के लिए आज़ादी नहीं है, तुम किस तरह से अपना दिन गुजारती हो, इतना ख़तरनाक देश है। तो उनके मुंह पर इन्होंने तमाचा मारा है और ये कहा है कि यहाँ की गवर्नमेंट इतना अच्छा है, महिला के लिए सुरक्षा में कोई कमी नहीं है, यानी जो हमारी बच्ची है उनको सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें किस तरह से अपना सुरक्षा करना है। यहाँ पे हर चीज़ गवर्नमेंट के हाथ में, यानी अमेरिका से ज़्यादा सुरक्षा यहाँ पे है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि एक हॉस्पिटल में, जो सऊदी अरब के एक हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा ये वीडियो वायरल हो रहा है, एक सऊदी शहरी ने एक नर्स को घसीट कर फेंका है। सिर्फ इस बात के लिए उसे इमरजेंसी रूम में बुलाया गया, हाथ का जो इंजेक्शन होता है उसे निकालने के लिए। तो थोड़ा वो लेट आए, इसकी वजह से उसे घसीटा गया है। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट ने इस क्लिप की वजह से, कोई कंप्लेन नहीं है, फिर भी इस क्लिप के वायरल होने की वजह से उसके ऊपर कार्रवाई की है और उसको कम से कम 10 साल की जेल या 1 मिलियन रियाल का फाइन लग सकता है। तो आप इसे समझ सकते हैं यहाँ पे कितना कानून सख्त है। जो भी गलती करेगा वो पकड़ा जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई होगी, या वो सऊदी हो या अजनबी हो या कोई भी हो। यानी औरत के मामले में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सख्ती किया जाता है। अगर आप औरत के ऊपर जुल्म करते हैं, थोड़ा भी बहुत जुल्म करते हैं, अगर वो चीज़ पकड़ में आता है तो आप नहीं बच सकते हैं। मर्द के साथ कुछ भी होता है वो चल भी जाता है, लेकिन औरत के साथ अगर कोई भी जुल्म करता है तो सऊदी अरब में नहीं बख्शा जाता है, या गल्फ़ कंट्री में कहीं भी नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन अमेरिका में या और कहीं भी ये चीज़ मायने नहीं रखता है। किसी को छेड़ दिया, किसी को कुछ बोल दिया, वहाँ पे मायने नहीं आता। लेकिन सऊदी अरब में किसी को घूर कर भी नहीं देख सकते हैं, औरत को खास करके। तो अपना याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।